हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो आज पता है, आज है सैटरडे। तो मैंने अपने फ्रेंड्स बोला यार कल संडे है, छुट्टी ले ले कहीं चलते घूमने। तो बोला चलो ठीक है, छुट्टी तो ले लूँगा लेकिन कहीं चलना है तो दूर चलना है। तो फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। तो फिर आज सैटरडे ही है और प्लान भी बन गया, कल संडे था तो आज आपकी ट्रेन थी, अब जा रहे हैं पीएम। पीएम सॉरी एमपी, कैमरे के सामने अभी कुछ भी बोल देता हूँ। तो हम लोग जाते हैं एमपी और बहुत दोस्तों को तो पता भी नहीं है, उन लोगों को बताना है। और रात की ट्रेन है और अभी 12 बज चुके हैं, पता नहीं कब पता चलेगा उन लोगों को। और चलिए देखते हैं कैसा होता है मैं पहले ट्रिप विथ माई फ्रेंड्स, शायद अच्छा ही होगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम लोग वाराणसी स्टेशन पहुँच चुके हैं। पता है हम लोग लिफ्ट लेके आए, ऑटो कहीं मिल ही नहीं रहा था। साथ में ये एक भाई है और मिलाते हैं आप लोगों से, और ये दो लोग हैं। इसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, आप बताइए कुछ कैसा लगेगा दोस्तों के साथ जाके? बहुत मजा आएगा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो 12 बजे का ट्रेन है और 11:30 बज चुके हैं। टिकट लेकिन हम लोग अभी लिए नहीं है, वो लोग गए हुए टिकट लेने। तो आगे का डेट आपको देता रहूंगा, देखते रहिए तब तक। यहाँ पे हम लोग टिकट ही नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ से टिकट लेना है। अभी आगे ये लोग भी घूम रहे हैं, पीछे मेरा भाई भी घूम रहा है। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने के बाद ये टिकट हम लोग को फाइनली मिल चुका है। शाबाश बेटा, तो खड़े ही हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का जो कि आ नहीं रही अभी तक। उसके बाद ये ट्रेन आ गई लेकिन हम लोगों की नहीं। तो 12:30 का ट्रेन था और 12:30 बज चुके हैं, लेकिन आप लोग जो जाते हैं बनारस काल तब ट्रेन का हाल वो तो हमेशा लेट ही होती है। अभी इंतजार हो रहा है फिलहाल ट्रेन का। जब ये हाँ ये कर लो पहले। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। आ चुकी है इतनी खुशी। तो बहुत ही वाहियात ट्रेन के सफर के बाद हम लोग अपने स्टेशन में पहुंच चुके हैं और ये लोग भी। सच में बहुत बेकार था, मतलब मैं वीडियो बना रहा था तो बना नहीं पाया, इतना बेकार था। तो आगे देखते हैं अब कैसा रहता है, लेकिन मौसम तो बहुत मस्त मस्त हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ट्रेन से उतरते ये लोग हल्के होते हुए, फिर उसके बाद होती है चाय पे चर्चा बैठे बैठे। तो अभी हम लोग का स्टेशन से निकल के नाश्ता वास्ता हम लोग का हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग करने वाले ऑटो होटल के लिए, वहाँ रुक के फ्रेश होके फिर मंदिर। अच्छा कहाँ जा रहे भैया? लंका बीच भैया, लंका बीच। ये मजबूर है फिर आप नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? यहाँ पे हम लोग को रेडी हुआ था रुकना, तो वहाँ लोग आ चुके हैं और टेम्पल भी विजिबल हो चुका है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे तैसे लोग बहुत बेकार तरीके से पता है ना जो रेडियो के अंदर, और लाइन तो बहुत लंबी लगने वाली है। तो लेकिन हम लोग भी बनारसी है तो लाइन लगाएंगे तो है नहीं, 20 से घुसेंगे। अच्छा तो बस देख लो आप, ये लोग यही से लाइन स्टार्ट होती है और बहुत ऊपर भी हमें इतने भीड़ में खड़े के बाद ये कुछ दो लाइन दो शब्द कहेंगे। देख लीजिए इतना भीड़ है, मुझे चक्कर आने वाला है, मैं यहाँ से कूद के जा रहा हूँ। जाओ ना किसने मन, और इसके साथ मैं भी यहाँ से निकल अगर ले लें लेकिन जल्दी पहुँचा दे। और ये लोग आदत से मजबूत, बच्चे को भी कुछ हो गया। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी? तो पीछे 1.5 घंटे से हम लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन लाइन बढ़ रही है बहुत धीरे। मैं यहाँ पे परेशान हो गया, ऑडियंस समझ लो। यही कहना चाहता हूँ कि भूख लगी है लेकिन कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि हमारे साथ में दुखा हो जाएगा, ठीक है? ये भी एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। इस सिचुएशन पे एक ही लाइन बोल सकते हैं, गरीबी में आटा गिरा, बस यही लाइन सही है इसके लिए।
इतना बिरगम था जो बारिश भी हो गया। कैसा लग रहा भाइयों? फाइनली इतनी भीड़ में हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन अभी ऊपर जाना है। और एक चच्चा को देखो, अरे बस बस चच्चा आगे वीडियो में। और ये देख लो सीढ़ियों पे भीड़, तो इसको देखते हुए हम लोग वहाँ ना जाके ये साइड से चलने लगे थे। हालत खराब है अभी। उसके बाद फिर वापस सीढ़ी पर एक बार भीड़ देख लो यार, मतलब जगह ही नहीं था सच में, इतना भीड़ था। पूरा जितना भी हम लोग लाइन लगाए हो और जितना भी देर हम लोग चले हो, सबसे खाली जगह यही था। तो फाइनली हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं मंदिर। इतनी खुशी, चार घंटे लाइन में लोग खड़े थे। मतलब कि हम लोग गलत थे, अभी मंदिर आया नहीं, अभी काफी दूर है। तो बिना खाए तो क्या आ गए भाई, कुछ नहीं बोल सकते कब तक मंदिर पहुंचेंगे हम लोग। जल्दी यार सीढ़ी खत्म हो रही है, फिर से स्टार्ट हो रही है, फिर खत्म हो रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। पता नहीं कब आएगा मंदिर भाई, मंदिर कब आएगा, मंदिर कब आएगा, कब आएगा भाई। इन सीढ़ियों को देख लो यार, एक सिंगल पर्सन का जगह नहीं था कि एक सिंगल पर्सन यहाँ पे आ जाए। बाप रे, बस मतलब मंदिर पहुंच चुके हैं भाई लोग। अभी भी यार टाइम पहुंचने में थोड़ा सा है। तो मंदिर हम लोग आ गए, बहुत खुशी हो रही है सच में, इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं हुई जितना ये मंदिर आके हो रही है। वाह, बहुत ज्यादा वाला परिश्रम के बाद हम लोग ये मंदिर पहुंच चुके हैं। ये है ओवरऑल मंदिर, अभी अंदर से दिखाएंगे आप लोग। हम लोग का दशहरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन पता है मंदिर के सामने ऐसे सीढ़ी चढ़ाया गया है, लेकिन एक कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो वो मीठापन मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू देखो, एक नंबर व्यू, मतलब मजा आ गया देख के। हम लोग समझ लो व्यू के लिए इतना ऊपर इतना मेहनत की चलने के लिए और दर्शन करने के लिए भी, मैं दिखाता हूँ व्यू अच्छे से एक बार। तो हो गया सारा दर्शन और हम लोग अब निकले घर सारे लोग, लेकिन यहाँ भी कंफ्यूजन है, बस से जा रहे हैं कि ट्रेन से, लेकिन लोग ट्रेन से ही जाना चाहते हैं। अब देखो किससे जाते हैं, कुछ लोग बस से जाना चाहते हैं, देखो क्या मिलता है, वो आपको आगे पता चली जाएगा किससे जाते हैं। तो यहाँ पे कंफर्म हुआ है बस, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हें पसंद आया बस? बिल्कुल नहीं, इसे भी नहीं आया, जब भी जाना पड़ रहा है इन दोनों की वजह से। तो सब लोग निकले बस स्टैंड की तरफ, मतलब वापस घर, और रास्ते में मस्ती तो होगी, वैसे हो रही है अभी, मस्ती हो रही है, एकदम फुल मजे में एकदम हो रही है दारू पीने के बाद। बस शहर में नहीं पता लोग इसी तरह बनारस पहुँचे। तो जैसा कि हम लोग प्लान तो मतलब फिक्स होता नहीं है, बस से आए थे, ट्रेन से फिर जाना है। खाली बात है ट्रेन से जाते हैं।
तो बस बैठे बैठे ट्रेन का इंतजार हो रहा है बनारस जाने का। अब बस आपको मिलते हैं डायरेक्ट बनारस में। यह है स्टेशन, ये कुछ पागल कुत्ते बैठे हैं। बस तो अपना छोटा सा ट्रिप ये खत्म हुआ, सब लोग निकल रहे अब घर। अच्छा तो नहीं लग रहा वैसे वापस पे जाते हुए, लेकिन जाना भी पड़ेगा। ट्रिप हम लोग का मतलब समाप्त हुआ कंप्लीट, वापस बनारस। फिर स्टेशन से बाहर निकलने के बाद थोड़ी फिर से होती है चाय पे चर्चा, और ये चर्चा होने के बाद वापस अपने अपने घर से मिल जाएगा। तो ये तीन बंदर अपने अपने घर के लिए निकल गए और हम तीन बंदर भी। काम खत्म।